वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। देश में इस समय सियासी दबिश तेज है, क्योंकि कुछ ही दिनों में देश में उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इसी बीच सभी राजनीतिक दल जनता को अपनी ओर खींचने के लिए अनेकों प्रयास करते हैं। ऐसे में आए दिन ऐसी खबरें भी सामने आती रहती हैं जिसे सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। अब यूपी के बुलंदशहर से एक वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि राज्य में आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए लोगों को नोट बांटकर लुभाने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल ये वीडियो बुलंदशहर जिले के शिकारपुर का बताया जा रहा है, जिसमें दिखने वाला ये शख्स वर्तमान बीजेपी विधायक प्रत्याशी अनिल शर्मा का बेटा कुश शर्मा है, जो लोगों को 100-100 रुपए के नोट बांटते हुए दिख रहा है और आसपास खड़े हुए लोग ढोल नगाड़े बजाते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने इस पर संज्ञान लेते हुए एक नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके बाद अहमदगढ़ थाने में आदर्श नगर आचार संहिता का उल्लंघन करने का मुकदमा दर्ज कुश शर्मा के खिलाफ भी कर दिया गया है। इस खबर में इतना ही, ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल, VK News, राष्ट्र के नाम।